ये एक बाइक लेफ्ट साइड पे है और एक बाइक राइट साइड पे है। ये देखें कंधे के ऊपर रख के नीचे लेके आ रहे हैं। क्या हुआ भाई? सिलेंडर फटा है। किस जगह? ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे सारी बिल्डिंग गिर गई है। ओहो, किस चीज की बिल्डिंग थी ये? ट्रक होटल था। अच्छा, मार्केट थी। कोई बंदे भी हैं अंदर? अंदर है बंदे? सौ की डेथ हो गई, अभी एक निकला है मलबे से, वो भी डेथ हो गई। करो यार, अभी आते हुए ना दो बार फिर मैं सो गया था। एक बार तो मैं कैरी डब्बे में लगने लगा यार, एक बार अभी ईंटों में लगने लगा था। नहीं है कि ऐसे ऐसे पर हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है कि हम अभी जा रहे हैं बस अड्डे की तरफ, उधर हम बाइक बिल्टी करवाएंगे। बाइक बिल्टी करवाने के बाद हम जाएंगे पिंडी, पिंडी से फिर आगे हम जाएंगे टेक्सला, टेक्सला उधर जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, शॉपिंग करेंगे कुछ, और जाएंगे दूसरा लाहौर की तरफ मूव करेंगे। और इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग में हम लाहौर होंगे, इंशाल्लाह अगर हमारा प्लान कामयाब रहा तो। जी देखिए हमारी बाइक अपलोड हो रही है ऊपर, ये देखें बस के ऊपर, पे हाँ ये हमारी एक बाइक हो गई है, दूसरी बाइक हमारी ये खड़ी है, ये आप जाने के लिए तैयार, ये दूसरी बाइक हमारी जाने के लिए तैयार है जी। ये देखें ये हमारी, अच्छा हुआ आपने किया। तो ये देखें जनाब, हमने अपनी बाइक ऊपर बस के ऊपर चढ़ा ली है, और ये देखें ये एक बाइक लेफ्ट साइड पे है और एक बाइक राइट साइड पे है। मुमकिन है मुझे पुलिस, ये देखें इसको अच्छे से हम बांध रहे हैं इस तरह साइड पे, और जो बाइक के नीचे हमने तोड़े लगाए अपने सामान के ताकि वो ना गिरे ना। ये ऐसे तो नहीं करेंगे। ये हमारे बॉक्स भी इधर आ गए हैं, एक टॉप बॉक्स ये, एक टॉप बॉक्स ये आ गया, बस अब नहीं हिलने वाली इंशाल्लाह, खैरियत से पहुंचे। 9:45 हो गए और अभी हम निकल चुके हैं गिलगित से। ये गिलगित का गेट जो मेन है ये हम क्रॉस कर रहे हैं। लगी हुई है जी हमारी बाइक्स, ये एक साइड पे मेरी बाइक्स, एक साइड ये अल्ताफ की, ये मेरी बाइक, और आप देखें एक टेल बॉक्स भी ऊपर पड़ा हुआ है, बाकी सारा सामान भी इसी तरह से बाइक की छत के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये वो लोकल बस है जो बहुत ज़्यादा स्टॉप करते हुए आती है।
जाने के लिए तैयार हो गई हैं। ये देखें शिबाज भाई भी ऊपर चले गए हैं और अभी उसे डोरी वगैरह उतारेंगे और उसके बाद हम बाइक नीचे उतारेंगे। ये इस तरह हमारी बाइक नीचे आ रही है। ये देखें कंधे के ऊपर रख के नीचे लेके आ रहे हैं। बड़ी हिम्मत की बात है इतनी भारी बाइक को कंधे के ऊपर रख के लेके आना। पहले पहुंचे हैं इस्लामाबाद में। बहुत ही लंबा सफ़र था, थक गए पूरे बस में चला चला के और अभी आके खाना खा रहे हैं। इरफान भाई के पास आए इधर और ये बैठे हैं। जब फ्रेश फ्रेश हुए हैं तो अब खाना शाना शुरू किया है। हालत देखें कैसी हुई है तो खाना खाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो जनाब हम पहुँचाए थे इस्लामाबाद में, जैसा कि आपको दिखाया किस तरह बाइक अनलोड हुई है। उसके बाद हम चले गए मेरे दोस्त इरफान की तरफ, उधर गए हैं, डिनर वगैरह किया है। डिनर करने के बाद हम फ्रेश वगैरह, मतलब पहले फ्रेश वगैरह हुए हैं, फिर डिनर किया है। उसके बाद थोड़ी देर गपशप की, नमाज वगैरह पढ़ के, तो हम अब निकल चुके हैं जनाब वापस लाहौर को अल्लाह का नाम लेके। तो सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो सफ़र की दुआ हमने पढ़ ली है और सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो इधर जीटी रोड पे कुछ दिखाने वाला तो है नहीं है सच, लेकिन हम कितने बजे पहुंचते हैं, क्या होता है वो हम आपको, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ टूर, तो वो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो आलमोस्ट अभी टाइम हुआ है, ओके तकरीबन हो गए 10 हो गए, 10 हो गए, तो इंशाल्लाह 11-12 और 1-2 2-2.5 के करीब, इंशाल्लाह 2.5-3 के करीब हम पहुंच जाएंगे। तो टोटल है 280-290 समथिंग, कितने किलोमीटर है आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन जितना भी है हम चलते हैं। तो अभी फर्स्ट स्टॉप मेरा होगा दीना में, क्योंकि उधर जो है शहबाज़ भाई वो थोड़ा सा तेज़ जा रहे थे तो वो उधर मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं उधर जाकर उनको कैच करता हूँ। इधर मुझे लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया या क्या हो गया। अल्लाह माफ़ करे। क्या हुआ भाई? सिलेंडर फटा है। किस जगह? ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे सारी बिल्डिंग गिर गई है। ओहो, किस चीज़ की बिल्डिंग थी? ये ट्रक होटल था। अच्छा, मार्केट थी। कोई बंदे भी हैं अंदर? ये? अंदर है बंदे? सौ की डेथ होगी, अभी एक निकला है मलबे से, वो भी डेथ हो। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। ओहो, इधर सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फटने की वजह से बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई है। अभी हम पहुँचे हैं झेलम, इधर झेलम शहर है और गुजरात और लाहौर के लिए हमें राइट साइड पे टर्न होना होगा, क्योंकि हमने इसी साइड पे हो जाते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये देखो पीछे एक्सीडेंट हो जैसे हुआ था ना, और एम्बुलेंस आ रही है तो फौरन से पहले रास्ता दे, हमारा एक बार उसको थोड़ा सा रास्ता देना पता नहीं किसी की जान बचा सकता है। तो सो इसलिए इस पे आपने ज़रा कंप्रोमाइज़ नहीं करना बॉयस, आपने रास्ता देना है। उनका टूल प्लाजा गुजर रहे हैं। यार मैं आपको क्या बताऊं कि नींद से ना झूले आ रहे हैं। मैं यकीन करो 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं ना बाइक चलाते चलाते सो गया।
ठीक है, ये शाहदरा कैंपस, मतलब ये हम इधर इस पहुंच गए, शाहदरा पहुंच गए, लाहौर की हदूद में एंटर होने लगे क्योंकि हम शाहदरा की तरफ से जा रहे हैं। ये अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं ये होता है कोर्ट अब्दुल मालिक। ठीक हो गया जनाब, तो कोर्ट अब्दुल मालिक हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद हम सीधा जाएंगे शाहदरा की तरफ, उधर से फिर हम जाएंगे आई थिंक सो मार रोड से होते हुए आगे को जाएंगे। लेकिन इस टाइम पावर इतना जवाब दे गई है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना जो गियर पहना हुआ है ना उठा के इधर ही फेंक दूँ। तो अभी हम एंटर हो गए लाहौर में, तो नींद से बुरा हाल है और मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ जिधर लिखा हुआ है कि हम किधर किधर जा सकते हैं अभी इस बोर्ड के बाद। तो ये देखें ये सामने क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं सामने जाता हूँ सेक्रेटेरिएट जा सकता हूँ, पार्टी चौक जा सकता हूँ, मार रोड पे जा सकता हूँ, रेलवे स्टेशन जा सकता हूँ। तो जनाब हमने चढ़ना है ब्रिज, ब्रिज से हम जाएंगे इस साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे पता नहीं कौन सा सिस्टम है, कौन सा स्टॉप है, पार्टी चौक है या जो भी है पता नहीं क्या है। हमने उधर से होते हुए हमने डायरेक्ट जाना है जनाब ठोकर की तरफ, दूसरी साइड से उतरते हैं लतकरबा की तरफ। चले आए और हमारे साथ इंजॉय करें कि मॉर्निंग में ब्रिज का व्यू कैसा होता है। ये मॉर्निंग में व्यू होता है और नींद के झटके दोबारा आने शुरू हो गए हैं जनाब ब्रिज के ऊपर जाके, तो अब एहतियात ज़रूरी है। वीडियो बंद करते हैं। करो यार अभी आते हुए ना दो बार फिर मैं सो गया था, एक बार तो मैं कैरी डब्बे में लगने लगा यार, एक बार अभी इंटो में लगने लगा था और ये ठोकर ब्रिज जा गया माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब हम अपने घर को मूव कर रहे हैं, इधर से राइट लेना है ना, नींद में पता नहीं चलता इधर राइट लेना है, ये ट्रक को क्रॉस करें। अपने घर की तरफ तो ये पहुंचा जनाब हम अपने घर की तरफ। सिम की बाइक बाहर लगी है, यस मेरा टूर कामयाब। अब खोलते हैं दरवाजा, यार सुकून मिला है नीचे उतर के, यकीन करो ना। बस हो गई थी सीट पे ऊपर बैठ बैठ के ना, ये देखो अंदर ले चलते हैं बाइक, ये देखो ये मेरा कपड़ा लटका हुआ था, ये गिर सकता था किसी भी टाइम। एक्साइटमेंट इतनी है कि ऐसे ऐसे ये एक्साइटमेंट है। बस मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक की क्या हालत है, ये देखें सामान तो परफेक्टली उसके साथ हुआ हुआ है,
पाउंड हुआ हुआ है, बिल्कुल हिला तक नहीं है। ये टॉप बॉक्स देखें और इधर से देखें लुक, ये देखें, ये जब रख रहे थे ना उस टाइम डैमेज हुआ था। और ये चीज़ चेक करें, और जनाब मेरे शूज़ चेक करें, इधर देखो क्या हालत हुई है इनकी। और मेरा ट्राउज़र ये देखें, और बाइक की इधर से हालत देखें, फुल ऑफ रोड हुई हुई है ना। और अब मीटर को नज़र लगाते हैं, तो जनाब टोटल मेरा ख्याल में मेरा चला है ये 1022 और प्लस 500, तकरीबन 1500 किलोमीटर चली है, तकरीबन 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो जनाब ये था हमारा व्लॉग, ये था हमारी टोटल सीरीज़। तो इंशाल्लाह इसमें जितनी भी अच्छी वीडियो हैं, कुछ और शॉर्ट भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और अभी जस्ट पहुँचा हूँ, थकावट से देखें बुरा हाल है, अभी तो ये डॉल्फिन के पास खड़ा हूँ। और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे टूर करूँगा, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, और आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अभी रेस्ट करते हैं, अल्लाह हाफिज़।